तो दोस्तों आज का जो हमारा सीरीज है वो है गाड़ियों के जो ट्रक्स होता है उसके पासिंग, उसके टायर कैपेसिटी, उसके जो लोडिंग कैपेसिटी होती है उसके बारे में। और एक्चुअल में आज मैं अपने ड्राइविंग रूम में वीडियो को शूट कर रहा हूँ। कारण ये है कि आज मेरे सामने इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज़ का फर्स्ट वनडे मैच चल रहा है, तो उसी को मैं देखने के लिए सोचा कि मैं देख भी लूँगा, साथ में आपके लिए रिकॉर्डिंग भी कर दूँगा। तो अभी के टाइम में 194 हुआ है, 4 विकेट गिरा है। तो ये था इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज़ का जो रनर स्कोर है, उसके लिए आप लोग भी शायद देख ही रहे होंगे। जब तक कि वीडियो पब्लिश होगा तब तक तो शायद इंडिया जीत भी जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के बाद बताते हैं कि आज का जो गाड़ी है कौन कौन सी गाड़ियाँ मैं ले रहा हूँ और उसमें कौन कौन सा गाड़ियों का क्या क्या कैपेसिटी होता है, उसका उसके अंदर कितने टायर्स होते हैं मैं बात करता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर जो है वो है टाटा एस। टाटा एस की अगर मैं कैपेसिटी की बात करूँ तो उसका जो पासिंग कैपेसिटी है बहुत सारी जगह पर 700 किलो है, बहुत सारी जगह पर 800 किलो है। और इसमें जो टायर होता है वो 4 टायर होता है और ये ओपन और क्लोज दोनों तरह का हो सकता है। आप इसको ओपन भी रख सकते हैं, इसको आप क्लोज भी रख सकते हैं। इसको दोस्तों एक तरह से छोटा हाथी भी बोला जाता है। दूसरे नंबर पे दोस्तों टाटा 407 का एक्चुअल में कैपेसिटी की मैं बात करूँ तो बहुत जगह पे 2.5 टन है, बहुत जगह पे इसका जो कैपेसिटी इसका 3 टन है। इसमें जो टायर की मैं बात करूँ उसमें 4 टायर होता है। इसका दोस्तों आता है 14 फुट 3.5 टन का जो गाड़ी आता है और इसका जो कैपेसिटी है वो है 3.5 टन और इसमें 4 टायर होता है। इसके बाद दोस्तों आता है 17 फुट जो कि 5.5 टन और 5.5 टन के लिए आता है। और इसमें अगर मैं टायर की बात करूँ तो इसमें 6 टायर होता है और इसकी जो कैपेसिटी होती है कहीं पे 5 टन की होती है, कहीं पे 5.5 टन की भी कैपेसिटी होती है। इसका दोस्तों आता है 19 फुट का। मैं अगर नॉर्मल की मैं बात करूँ तो उसका जो कैपेसिटी होता है वो होता है 7 से 7.5 टन और इसमें जो टायर होता है वो 6 टायर होता है। और इसके अलावा मैं इसके अलग इसमें जो एक LPT अलग से आता है मैं उसकी बात करूँ 19 फुट में, तो उसका जो कैपेसिटी होता है वो होता है 9 टन। ऐसे वो जो गाड़ी है आजकल मार्केट से बाहर चल रहा है, बहुत कम जो है वो गाड़ी मार्केट में अवेलेबल है, उसमें भी एक्चुअल में 6 टायर ही होता है। इसका दोस्तों मैं बात करता हूँ नेक्स्ट जो हमारा गाड़ी है वो है 20 फुट का। अगर मैं पासिंग की मैं बात करूँ तो 6 टन की पासिंग में भी ये गाड़ी आती है, 6.5 टन के भी पासिंग में ये गाड़ी आती है और 7 टन की भी पासिंग में ये गाड़ी आती है। और इसको अगर मैं कैटेगरी वाइज में बताऊँ तो ये 1109 के अंदर भी आता है, 1110 के अंदर भी आता है। और इसका जो आपका टायर होता है वो 6 टायर होता है इसके अंदर। इसके बाद दोस्तों इसके बाद आते हैं एक्चुअल में मैं ये साइज किससे आगे बढ़ रहा हूँ, तो साइज में मैं आगे लिया हूँ 20 फुट 12 MT ट्रेलर। या दोस्तों ये हाई वेट लो वेट सेमी वेट तीनों में आता है। और इसका मैं अगर टायर की मैं बात करूँ तो इसमें 14 टायर होता है और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 12 MT की, मतलब कि 12 मेट्रिक टन की। इसके बाद दोस्तों आता है 20 फुट का 15 MT ट्रेलर, ये भी सेमी हाई और लोड तीनों वेट में आता है। और फ्लैट वेट जो गाड़ी होती है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। इसमें भी दोस्तों एक्चुअल में 14 टायर ही होते हैं। इसका दोस्तों आता है 20 फुट का 20 MT का जो गाड़ी आती है 20 मेट्रिक टन का। इसकी अगर मैं टायर की मैं बात करूँ तो इसमें जो टायर होता है 14 टायर होता है और ये भी सेमी हाई और लो वेट तीनों में आता है, ये भी फ्लैट वेट ट्रेलर होता है। इसके बाद मैं बात करता हूँ आपका 20 फीट का ही आता है ट्रेलर जो 22 MT का मतलब 22 मेट्रिक टन का पासिंग होता है जिसका। और इसमें जो टायर होता है दोस्तों ये 18 टायर होता है और ये एक्चुअल में ट्रिपल एक्सल गाड़ियाँ होती है वो होती है। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ तो 20 फीट का ही ट्रेलर आता है 26 MT का, इसमें भी 18 टायर होता है। इसका जो कैपेसिटी होता है वो 28 टन होता है और ये भी सेमी हाई और लो वेट तीनों में आता है। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ तो 20 फुट का 28 मेट्रिक टन का ट्रेलर आता है जो सेमी हाई लो वेट में आता है और इसका जो टायर होता है वो भी 18 टायर होता है और इसकी जो इसमें जो एक्सल होता है वो ट्रिपल एक्सल होता है। इसका दोस्तों आता है 22 फीट की गाड़ी जो सिंगल एक्सल का होता है और इसकी जो पासिंग होती है 9 टन होती है और इसमें जो टायर होता है 6 टायर होता है। इसके बाद दोस्तों आता है 22 फीट का 9 MT का कंटेनर भी आता है इसका और इसकी जो पासिंग होती है वो 9 टन की होती है, इसमें भी 6 टायर होता है। इसके बाद जो दोस्तों आता है 22 फीट की गाड़ी आती है 8 MT की और इसका जो मॉडल की मैं बात करूँ तो 1100 इसका मॉडल है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा क्योंकि मैं थोड़ा सा इस पर कन्फ्यूजन है मुझे भी। तो 22 फीट का जो 8 MT का जो ट्रक आता है ये एक्चुअल में 6 टायर के लिए होता है और इसका जो पासिंग होता है वो 8 टन का पासिंग होता है। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ तो 22 फीट का 8 MT का गाड़ी आता है, 16-13 इसका मॉडल है और ये प्लेटफॉर्म ट्रक है जिसको कि JCB भी एक तरह से आप बोल सकते हैं। इसकी जो पासिंग होती है वो 8 मेट्रिक टन होती है और इसमें जो टायर होता है वो 6 टायर होता है। इसके बाद दोस्तों आते हैं 22 फीट का एक और गाड़ी है जो कि 10 मेट्रिक टन का पासिंग जिसका होता है, मॉडल नंबर की मैं बात करूँ तो 1212 इसका मॉडल है
और इसमें जो टायर होता है वो 6 टायर होता है, और इसका जो आपका कैटेगरी है वो एमसीबी के कैटेगरी में आता है एक्चुअल में, मीडियम कैपेसिटी व्हीकल में ये आता है। और इसमें जो टायर होता है 6 टायर होता है, कैपेसिटी तो मैंने आपको बता ही दिया था कि 10 टन का इसका पासिंग होता है। इसका दोस्तों 22 फीट का 16 MT का 25-18 जिसको कि आप लोग टॉरस भी बोलते हैं, जैसे कि टॉरस का जो स्टार्टिंग होता है वो यहीं से होता है एक्चुअल में। तो ये आपका टॉरस होता है जो 15 MT 16 MT दोनों तरह में ये आता है। इसका दोस्तों आता है 24 फीट का 21 MT का 20 MT 21 MT दोनों में आता है पासिंग आता है इसका, 31-18 मॉडल। और इसमें जो टायर होता है वो 12 टायर होता है और ये एक्चुअल में 21 टन पासिंग करता है। इसके बाद दोस्तों आता है 25 फीट का 28 MT 31-18 जो ट्रोला आता है एक्चुअल में, और इसमें जो टायर होता है वो 12 टायर होता है और ये 28 टन पासिंग करता है। इसके बाद 28 फीट का 20 मेट्रिक टन की पासिंग का 31-18 एक और आता है जिसका की पासिंग 20 टन होता है और इसमें जो होता है 12 टायर होता है। इसके बाद में दोस्तों बात करूं कुछ और प्लेटफॉर्म के गाड़ियों की, तो 28 फीट का 7.5 मेट्रिक टन का एक गाड़ी है प्लेटफॉर्म है जिसकी की पासिंग 7.5 टन होती है, इसमें जो टायर होता है वो 6 टायर होता है। इसके बाद दोस्तों आते हैं 28 फीट का 15 MT का प्लेटफॉर्म ट्रक जिसका पासिंग 15 टन है और इसमें जो होता है 10 टायर होता है। इसके बाद आता है अपना कंटेनर जो कि नॉर्मल लोग यूज करते हैं 32 फीट में मल्टी एक्सल मतलब डबल एक्सल, इसकी पासिंग जो होती है 14.5 टन होती है, इसमें जो टायर होता है वो 10 टायर होता है। इसके अलावा जो 32 फीट सिंगल एक्सल आता है उसका जो पासिंग होता है वो 60 टन होता है, इसका जो टायर होता है वो 6 टायर होता है। इसके बाद एक 32 फीट का 18 टन की एक गाड़ी आती है जो कि ट्रिपल एक्सल होता है, इसमें 12 टायर होता है और इसकी जो पासिंग होती है वो 18 टन होती है। इसके बाद दोस्तों आते हैं 30 फीट ट्रिपल एक्सल 27 मेट्रिक टन का एक ट्रेलर आता है, उसमें ये जो ट्रेलर है ये एक्चुअल में फ्लैट बेड सेमी बेड और लो बेड तीनों में अवेलेबल है। इसके अलावा 40 फीट के 5 अलग अलग तरह के ट्रेलर होते हैं दोस्तों, जिसका कि अगर मैं कैपेसिटी की मैं बात करूं 10 टन 16 टन 21 टन 27 टन 36 टन और 40 टन होता है। इसके में अगर टायर की मैं बात करूं तो 18 टायर 22 टायर ये दो तरह के मॉडल में ये अवेलेबल होता है। और इसका जो कैपेसिटी हो तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा जो ये गाड़ियां जो अवेलेबल होती है सेमी लो वेट हाई वेट और लो वेट तीनों में अवेलेबल होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो हमारा ये वीडियो जरूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना था, मैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए डिटेल्स के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।